देखो आज का जो हमारा टॉपिक है वो प्लांट फिजियोलॉजी से है, ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स। ठीक, जो टॉपिक है दैट इज ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स। इस प्लांट फिजियोलॉजी में जब हम स्टार्ट करते हैं तो ट्रांसपोर्टेशन की बात करते हैं, और ये जो प्लांट को ट्रांसपोर्टेशन कराना होता है, ठीक, प्लांट्स में जो ट्रांसपोर्टेशन कराना होता है, आप सभी को पता है कि प्लांट्स के अंदर ह्यूमन बीइंग्स या एनिमल्स की तरह कोई सर्कुलेटरी सिस्टम नहीं है जहां से जो भी चीजें सर्कुलेट होनी है वो होगी। ठीक, प्लांट के अंदर जो ट्रांसपोर्टेशन होगा, सबसे इम्पोर्टेंट कि वो दो तरह का ट्रांसपोर्टेशन देखा जाएगा। दो तरह का ट्रांसपोर्टेशन कौन सा देखा जाएगा? एक की जो हम बात करेंगे, ट्रांसपोर्टेशन की, ठीक, वो होगा शॉर्ट डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट, और दूसरा जो हम बात करेंगे वो है लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट। ठीक, एक जो हम बात करेंगे शॉर्ट डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट की, और एक जो हम बात करेंगे लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट की प्लांट्स के अंदर। जब हम शॉर्ट डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट और लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट की बात करते हैं, तो शॉर्ट डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट का मतलब क्या होता है कि जो चीजें मूव कर रही हैं सेल के अंदर ही। और जब मैं आपको सेल पढ़ा रहा था तो उस टाइम पर मैंने आपको बताया था कि जो यूकैरियोटिक सेल्स होते हैं उनमें साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग होती है। उस साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग को हम साइक्लोसिस भी कह सकते हैं, जिसके थ्रू जो चीजें सेल के अंदर एक जगह से दूसरे जगह पे ट्रांसपोर्ट होती हैं। और ये जो साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग है, ये एटीपी की प्रेजेंस में होता है। ये क्या होगा? एटीपी के प्रेजेंस में होगा। ये जो आप देखोगे यहां पर शॉर्ट डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट की जब हम बात करेंगे, तो याद क्या रखना है हमें? पहला जो हमें याद रखना है शॉर्ट डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट में, वो ये रखना है कि इसी प्रोसेस को हम साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग कहते हैं, जिसमें एटीपी की रिक्वायरमेंट होगी, अब देखो, जब हम लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट की बात करेंगे, तो इस लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट में क्या होगा कि यहाँ पर ट्रांसलोकेशन होता है। जब हम बात करते हैं ट्रांसलोकेशन की, तो हम क्या कहते हैं कि ये लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट है जो वैस्कुलर बंडल्स के थ्रू होगा। जो किसके थ्रू होगा? वैस्कुलर बंडल्स के थ्रू होगा। और अभी आपने एनेटॉमी में डिटेल में पढ़ा था जाइलम और फ्लोएम की स्टोरी, जहां पर आपने देखा था कि जाइलम जो है वो किससे एसोसिएटेड है? इट इज एसोसिएटेड विद ट्रांसफर और ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर, मिनरल्स एंड पीजीआरस। इसी के लिए तो है। और हमेशा जाइलम के अंदर हम किस ट्रांसपोर्टेशन की बात करते हैं? यूनी डायरेक्शनल ट्रांसपोर्ट की। सिर्फ नीचे से ऊपर की तरफ जो ट्रांसपोर्ट होगा वो यूनी डायरेक्शनल ट्रांसपोर्ट कहलाएगा। जाइलम के थ्रू हमेशा यूनी डायरेक्शनल ट्रांसपोर्ट होगा। किसका? वाटर का, मिनरल्स का और पीजीआरस का। फ्लोएम की जब हम बात करते हैं, जो एसोसिएटेड है ट्रांसफर ऑफ फूड के लिए, और फ्लोएम के अंदर बाई डायरेक्शनल या मल्टी डायरेक्शनल ट्रांसपोर्ट देखने को मिलता है। अगर नॉर्मल सिचुएशन है तो लीफ, जो कि आपको पता है प्लांट के ऊपर है, वहां पर सिंथेसिस होगी, और जो फूड है वो स्टोरेज के लिए डाउनवर्ड मूव करेगा रूट्स के पास और या यूज के लिए। बट अगर लीफ फॉल हो गई है, पतझड़ का टाइम है, तो जो स्टोर्ड फूड है वो नीचे से ऊपर जाएगा। यानी फूड का ट्रांसपोर्टेशन हमेशा हायर कंसेंट्रेशन से लोअर कंसेंट्रेशन की तरफ होगा, तो फ्लोएम के लिए हम कह सकते हैं कि यहाँ पर बाई डायरेक्शनल ट्रांसपोर्ट होगा। जबकि जाइलम के थ्रू हम हमेशा कहेंगे कि नहीं, यहाँ पर केवल यूनी डायरेक्शनल ट्रांसपोर्ट होगा, क्योंकि वाटर, मिनरल्स, ये दोनों ही कहाँ पर प्रेजेंट है? नीचे, ऊपर तो है नहीं।
तो नीचे से ऊपर जाएंगे, एक ही डायरेक्शन में जाएंगे। बात क्लियर हो गई होगी, बात क्लियर हो गई होगी। इसके बाद दो बातें इंपॉर्टेंट हैं जो आपको याद रखनी है। एक तो पहली बात क्या है, पहली बात जब आप देखोगे यहां पर, कि जो प्लांट्स को रिक्वायर्ड है, किन किन चीजों को प्लांट को चाहिए ताकि वो अपनी सारी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज को परफॉर्म कर पाए, तो प्लांट में किस चीज को ट्रांसपोर्ट कराने की रिक्वायरमेंट होगी। सबसे इंपॉर्टेंट है वाटर, मिनरल्स, फूड, पीजीआरस, पीजीआरस या प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर, जो आप जानते हो कि रूट्स में सिंथेसाइज होंगे और ऊपर की तरफ यूनिडायरेक्शनल ट्रांसपोर्टेशन करेंगे। क्लियर है? और एक इंपॉर्टेंट लाइन यही अभी याद रखना है कि जनरली क्या होता है, जैसे जनरली क्या होता है, जैसे जब लोग बूढ़े हो जाते हैं तो अपनी वसीयत अपने आने वाले जनरेशंस को देके जाते हैं, प्लांट्स में भी कुछ इस तरह से क्या है कि जब उनका सेनेसेंस या डेथ होने वाला होता है तो प्लांट्स ट्रांसफर करता है अपने न्यूट्रिएंट को, प्लांट्स ट्रांसफर करता है अपने न्यूट्रिएंट को टुवर्ड मेटाबॉलिकली एक्टिव पार्ट, टुवर्ड द मेटाबॉलिकली एक्टिव पार्ट, यानी जो ओल्ड लीव्स हैं वो अपने अंदर के न्यूट्रिएंट्स जो हैं उनको पास ऑन करेंगे कहां पर, जो यंग वाले हैं वहां पर, ताकि उनका प्रॉपर यूज हो पाए। तो जो ये हम टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं उसमें सबसे पहला क्वेश्चन क्या है कि व्हाई देयर इज अ नीड ऑफ ट्रांसपोर्ट, इस प्लांट के अंदर ट्रांसपोर्ट की रिक्वायरमेंट ही क्यों है। तो इसका आंसर बताने की जरूरत नहीं है, सभी को पता होता है कि भाई प्लांट की रिक्वायरमेंट है, वाटर चाहिए उनको, मिनरल्स चाहिए, पीजीआर चाहिए, फूड चाहिए, क्योंकि वो पूरा एक लिविंग सिस्टम है, तो वो सारी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज को परफॉर्म करने के लिए जो रिक्वायरमेंट है वो फुलफिल होनी चाहिए, जो कि किससे फुलफिल होगी, ट्रांसपोर्टेशन से, जो दो तरह से होगा। अगर हम शॉर्ट डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट करेंगे तो यहाँ पर साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग के थ्रू ट्रांसपोर्ट होगा, और अगर हम लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट की बात करेंगे तो वहां इस ट्रांसपोर्ट को हम ट्रांसलोकेशन कहते हैं। ये टर्म याद रखना, लॉन्ग डिस्टेंस के लिए हम ट्रांसलोकेशन कहते हैं, लॉन्ग डिस्टेंस के लिए हम क्या कहेंगे ट्रांसपोर्ट को, ट्रांसलोकेशन, जो किसके थ्रू होगा, वैस्कुलर बंडल्स के थ्रू, जिसमें हमारे पास जाइलम और फ्लोएम प्रेजेंट हैं। अब जो नेक्स्ट हम पढ़ने जा रहे हैं, इसमें जब आप देखोगे ट्रांसपोर्ट को कि यहाँ पर कौन कौन से ट्रांसपोर्ट पॉसिबल हैं, यानी जब हम बात करते हैं मींस ऑफ ट्रांसपोर्ट की, जब हम बात करते हैं मींस ऑफ ट्रांसपोर्ट, किस किस के थ्रू ये ट्रांसपोर्टेशन पॉसिबल है, तो सबसे पहला जो हमारा टर्म आता है वो है डिफ्यूजन। वो क्या है? डिफ्यूजन के थ्रू, वो हमारे पास डिफ्यूजन है जिसके थ्रू ट्रांसपोर्टेशन होगा, क्या, कहां और कैसे। ठीक, तो सबसे इंपॉर्टेंट क्या है कि डिफ्यूजन के लिए लिविंग सिस्टम रिक्वायर्ड नहीं है। आप किसी एक कोने में कोई डीओ लगा रहा है, थोड़े टाइम के बाद वो दूसरी जगह पे उसकी स्मेल जाती है। इसका मतलब क्या है कि डिफ्यूजन जो है वो मेनली गैसियस एक्सचेंज के लिए इंपॉर्टेंट है, और जहां पर जो सब्सटेंसेस मूव करेंगे वो अपने हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ मूव करेंगे, या हाई डिफ्यूजन प्रेशर से लो डिफ्यूजन प्रेशर की तरफ मूवमेंट होगा, और जो डायरेक्शन होगा डिफ्यूजन का, जो डायरेक्शन होगा डिफ्यूजन का सब्सटेंस, जो वो पाउडरी सब्सटेंस है या गैसियस सब्सटेंस है, उनमें जो पार्टिकल्स होते हैं वो इंडिपेंडेंट मूव करते हैं, इंडिपेंडेंट मूव करते हैं। मतलब क्या है इनका, आप देखोगे
कि जो बड़े पार्टिकल्स होंगे और छोटे पार्टिकल्स होंगे, तो आप हमेशा ये देखोगे कि जो छोटे पार्टिकल्स हैं उनके मूव करने की जो रेट है वो ज्यादा हमें देखने को मिलेगी, वो ज्यादा हमें देखने को मिलेगी। डिफ्यूजन को फिर से हम डिफाइन करते हैं कि तीन वर्ड आपको यहां पर याद रखने हैं डिफ्यूजन से रिलेटेड, क्या क्या, RPS, क्या याद रखना है, RPS, ये जो वर्ड है इसी से आपके यहाँ क्वेश्चन पूछा जाता है। आर डिफ्यूजन से याद रखना है आपको वर्ड RPS। RPS का मतलब क्या है, पहला जो R है इट स्टैंड्स फॉर रैंडम मोशन, क्या है, रैंडम मोशन, कोई डेफिनेट मोशन डिफ्यूजन के थ्रू नहीं है, रैंडम मोशन होगा। और दूसरी इंपॉर्टेंट बात कि ये कभी भी इस प्रोसेस के अंदर एटीपी की रिक्वायरमेंट नहीं होगी, क्यों, क्योंकि ये जो प्रोसेस है वो डाउनहिल प्रोसेस है, हमेशा जो मूवमेंट हमें देखने को मिलेगा, हमेशा जो मूवमेंट हमें देखने को मिलेगा वो कैसा होगा, फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन। जब भी हम हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ मूवमेंट की बात करते हैं, जब भी हम हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ मूवमेंट की बात करते हैं, हमें पता है कि इस तरह के मूवमेंट में कभी भी एनर्जी की रिक्वायरमेंट नहीं पड़ती है। जैसे क्या होता है, एक पुल होता है, ठीक, तो जैसे जब चढ़ाई होती है तो आपको साइकिल के पॉन्डिल जो आप घुमाते हो पहुंच जाते हो, लेकिन जब ढलान होता है तो उस टाइम पर आपको मेहनत करने की रिक्वायरमेंट नहीं है क्योंकि आप ऊंचाई से नीचे आ रहे हो। तो सेम वही प्रोसेस है कि जब भी हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ मूवमेंट होगा उस टाइम पर एनर्जी की रिक्वायरमेंट नहीं होगी, उस टाइम पर एनर्जी की रिक्वायरमेंट नहीं होगी। तो डिफ्यूजन सभी को समझ में आ गया, याद हो गया, पहला याद क्या रखना है आर से, कि डिफ्यूजन एक रैंडम प्रोसेस है। दूसरा पी से जो है वो है पैसिव, यानी एनर्जी नहीं लगेगी। और तीसरा कि ये फास्ट नहीं है, ये डिफ्यूजन एक स्लो प्रोसेस है, डिफ्यूजन एक स्लो प्रोसेस है। और तीसरा जो आपके यहाँ क्वेश्चन पूछा गया है वो ये है कि गैसियस एक्सचेंज जो प्लांट्स में होगा, गैसियस एक्सचेंज जो प्लांट्स के अंदर होगा वो किस प्रोसेस से होगा, तो आपको वहां याद रखना है कि जो भी गैसियस एक्सचेंज प्लांट्स के अंदर होगा वो डिफ्यूजन के थ्रू होगा, उसमें डिफ्यूजन की का इन्वॉल्वमेंट होगा। और ये दो बातें फिर से सुन लो कि जब भी हम प्लांट में ट्रांसपोर्टेशन की बात करेंगे, एक शॉर्ट डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट की बात करेंगे और एक लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट की बात करेंगे। शॉर्ट डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट में एटीपी की रिक्वायरमेंट होगी, ट्रांसलोकेशन जो होगा वो लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट का होगा जिसमें वेस्कुलर बंडल्स इन्वॉल्व होंगे, जाइलम और फ्लोएम। एक लाइन यहाँ पर ये याद रखनी है कि जब हम डिफ्यूजन की बात करेंगे तो यहाँ पर देखोगे क्या कि हाई डिफ्यूजन प्रेशर से लो डिफ्यूजन प्रेशर की तरफ मूवमेंट होगा। यहाँ पर एक जो लाइन आपने देखी है कि द डायरेक्शन ऑफ डिफ्यूजन ऑफ वन सब्सटेंस इज इंडिपेंडेंट ऑफ द मूवमेंट ऑफ अनदर सब्सटेंस, क्लियर है यहां तक किसी को कोई कंफ्यूजन? अरे बोलो, यहां तक किसी को कोई कंफ्यूजन नहीं है? अब आगे देखो, जब हम बात करते हैं इनमें मींस ऑफ ट्रांसपोर्ट की, जब हम बात करते हैं मींस ऑफ ट्रांसपोर्ट की तो क्या देखते हैं, तीन मेन प्रोसेसेस हमें यहाँ पर डिटेल में पढ़ने हैं। पहला जो आपने पढ़ा अभी डिफ्यूजन, ठीक, दूसरा हमें पढ़ना है फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन, और तीसरा हमें पढ़ना है एक्टिव ट्रांसपोर्ट। इन तीनों से एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बनता है, तो तीनों को याद रखना। आपके एनसीईआरटी में एक टेबल भी बना रखा है इसके रिगार्डिंग, जिससे क्वेश्चन सबसे ज्यादा पूछे जाते हैं, अभी वो टेबल भी हम देखेंगे। लेकिन उससे पहले
फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन, एक्टिव ट्रांसपोर्ट और डिफ्यूजन के बीच में जो मेजर डिफरेंस है वो हमें याद होना चाहिए। जैसे सिंपल डिफ्यूजन की अगर हम पहले बात करें, तो आपने अभी इसके लिए पढ़ा था RPS, पढ़ा था। R stands for random process, P क्या था passive process के लिए, और S stands for slow process। लेकिन अगर हम चाहें तो रेट ऑफ डिफ्यूजन को बढ़ा भी सकते हैं, कैसे? अगर टेम्परेचर इंक्रीज कर दें, तो रेट ऑफ डिफ्यूजन बढ़ जाएगा। और रेट ऑफ डिफ्यूजन का इनवर्स रिलेशन होता है ये डेंसिटी के साथ, और ये डायरेक्टली डिपेंडेंट करता है मेम्ब्रेन की परमिबिलिटी पे। भाई हमें पता है कि अगर मेम्ब्रेन परमिबिलिटी ज्यादा होगी तो ज्यादा चीजें का आदान प्रदान होगा, यानी डिफ्यूजन रेट बढ़ जाएगा। और दूसरा, अभी आपने देखा था कि डिफ्यूजन रेट डायरेक्टली डिपेंड कर रहा है कंसंट्रेशन ग्रेडियंट पे। अगर हायर कंसंट्रेशन ग्रेडियंट से लोअर कंसंट्रेशन ग्रेडियंट की तरफ माइग्रेशन हो रहा है तो इसका मतलब क्या है कि अगर कंसंट्रेशन ग्रेडियंट एस्टेब्लिश है तो डिफ्यूजन होगा, क्लियर है। और ये जो डिफ्यूजन होगा ये अलोंग द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट होगा, जिसका मतलब हमेशा हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ मूवमेंट को देखा जाएगा, इतनी बात समझ में आ गई होगी सभी को। सर प्रेशर ज्यादा रहेगा तब? प्रेशर भी हाई डिफ्यूजन प्रेशर से लो डिफ्यूजन प्रेशर की तरफ मूवमेंट होता है, हाई डिफ्यूजन प्रेशर से लो डिफ्यूजन प्रेशर की तरफ। अब जहां पर कंसंट्रेशन ज्यादा होगी वहां डिफ्यूजन प्रेशर भी ज्यादा होगा। देखो नेक्स्ट जो हमें बात करनी है ये फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन की। फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन की जब हम बात करेंगे तो फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन में हमें याद क्या रखना है, यहां पर सिर्फ याद रखना है कि फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन नॉर्मली बिल्कुल सिंपल डिफ्यूजन की तरह ही है। बस यहां पर ये याद रखना है कि यहां पर एक कैरियर प्रोटीन्स की इन्वॉल्वमेंट होती है, लेकिन ये एक्टिव प्रोसेस नहीं है क्योंकि यहां पर एनर्जी का एक्सपेंडिचर नहीं होता है, यहां पर एनर्जी की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। हाँ, एक बात जो आपको यहां पर इंपॉर्टेंट याद रखनी है कि फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन हमेशा स्पेसिफिक होता है। स्पेसिफिक का मतलब क्यों स्पेसिफिक है, क्योंकि यहां पर इन्वॉल्वमेंट किसका है, कैरियर प्रोटीन्स का। तो कैरियर प्रोटीन्स जैसे क्या होता है, एयरपोर्ट पे आप जाते हो तो एयरपोर्ट पे वो लेके खड़े रहते हैं ना, तो वो क्या है, स्पेसिफिक है। ऐसा नहीं किसी को भी गाड़ी में लेके कोई भी बिठा के चला जाए, नहीं, उस पे नेम प्लेट होती है, जो जिस बंदे का ड्राइवर होता है वो उसका नाम लिए होता है, तो सिर्फ वही उनके साथ जा पाते हैं, ठीक। तो कैरियर प्रोटीन्स का मतलब क्या है कि वो भी स्पेशलाइज्ड हैं, जो स्पेसिफिक चीजों को ही कैरी करेंगे। और इसमें सबसे इंपॉर्टेंट क्या है कि जब सारे कैरियर प्रोटीन्स इन्वॉल्व हो जाएंगे तो आ जाएगा क्या, सेचुरेशन। तो क्या आ जाएगा, सेचुरेशन। लाइन याद रखना, क्वेश्चन बना हुआ है, ठीक, बात समझ में आ गई इससे। अब देखो नेक्स्ट जो हमें याद रखना है वो है एक्टिव ट्रांसपोर्ट। वो क्या है, एक्टिव ट्रांसपोर्ट में क्या हमें देखना है कि जब भी हम बात करेंगे एक्टिव ट्रांसपोर्ट की, पहली लाइन जो याद रखनी है कि ये अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट है। ये क्या है, अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट।
यानी इसी प्रोसेस को हम अपहिल प्रोसेस भी कहते हैं, जहां लो कंसंट्रेशन से हायर कंसंट्रेशन की तरफ जाते हैं सब्सटेंसेस, और यहां पर इन्वॉल्वमेंट होगा किसका, एटीपी का इन्वॉल्वमेंट होगा, एटीपी का, और ये जो मूवमेंट कहलाएगा ये अपहिल मूवमेंट कहलाएगा। सारी बातें यहां देखो लिखी होंगी, फिर से सुन लेना। एक्टिव ट्रांसपोर्ट अगेंस्ट कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, इट इज आल्सो नोन एज अपहिल ट्रांसपोर्ट, इन विच यूटिलाइजेशन ऑफ कैरियर प्रोटीन अलोंग विद यूटिलाइजेशन ऑफ कैरियर प्रोटीन अलोंग विद एक्सपेंडिचर ऑफ एनर्जी, अलोंग विद एक्सपेंडिचर ऑफ एनर्जी। और यहां पर इनहिबिटर्स रिएक्ट करते हैं प्रोटीन साइड चेन से, इनहिबिटर रिएक्ट करते हैं प्रोटीन साइड चेन पे। अब देखो एक इंपॉर्टेंट बात जो यहां से याद रखनी है वो क्या है कि जो ये फैसिलेटेड डिफ्यूजन है, जो फैसिलेटेड डिफ्यूजन है, यहां पर पोरींस जो हैं, जो कि स्पेशल प्रोटीन्स हैं, जो प्रेजेंट होते हैं कहां, आउटर मेम्ब्रेन पे, आउटर मेम्ब्रेन पे जो पोरींस हैं ये कहां पर प्रेजेंट होंगे, ये पोरींस प्रेजेंट होंगे आउटर मेम्ब्रेन पे किसके, प्लास्टिड्स के, माइटोकॉन्ड्रिया के, जो बैक फ्लो नहीं होने देते हैं और यहीं से माइग्रेशन होता है चीजों का। और आपको जो याद रखना है, जो आपको पहले से भी याद होगा कि वाटर चैनल्स आर कंपोज्ड ऑफ 8 डिफरेंट टाइप ऑफ एक्वापोरींस। ये लाइन याद रखना है क्योंकि ये एनसीईआरटी का गिवन लाइन है जिन पे क्वेश्चन पूछा गया है पहले भी। बात समझ में आ गई कि वाटर चैनल्स आर कंपोज्ड ऑफ 8 डिफरेंट काइंड ऑफ एक्वापोरींस। और यहां पर एक और इंपॉर्टेंट बात जो आपको याद रखनी है कि जब भी हम बात करेंगे मूवमेंट की, यहां पर आप देखोगे, देखो दो बातें फिर से सुन लो। पोरींस क्या है, तो पोरींस वो प्रोटीन्स हैं जैसे ह्यूज पोर्स की वजह से जो बने हैं, आउटर साइड प्रेजेंट होंगे और चीजों को माइग्रेट कराने में हेल्प करेंगे। यहां पर जो याद रखना था कि वाटर चैनल्स जो होंगे वो 8 डिफरेंट काइंड्स ऑफ एक्वापोरींस से बने होंगे। जो मूवमेंट होगा वो आपको एक बार याद रखना होगा, जो मूवमेंट होगा उसमें क्या याद रखना है, कि जैसे इसके अंदर आप तीन टर्म पढ़ते हो कि भाई सिंपोर्ट क्या होगा, एंटीपोर्ट क्या होगा और यूनिपोर्ट क्या होता है। सिंपोर्ट क्या होगा, एंटीपोर्ट क्या होगा और यूनिपोर्ट क्या होगा, ये देखना है हमें। देखो जब भी हम बात करते हैं किसकी, सभी को मेरी वॉइस आ रही है? Yes, sir. बेटा दिव्या देखो, कट कट क्या अटक अटक के आ रही है सर, अटक रही है, हालांकि यहाँ मैंने नेट सही किया तो आज भारी बारिश है। चलो कोई बात नहीं, अभी सब कुछ समझ में आ जाएगा। देखो इसमें जब हम बात करते हैं, यहाँ पर वाटर चैनल्स वाला ये तो हो गया था, मूवमेंट जब देखोगे तो यहां पर ये कैरियर प्रोटीन्स इन्वॉल्व हैं, जहां पर अगर एक ही डायरेक्शन में मूवमेंट देखने को मिलेगा तो ये क्या कहलाएगा, यूनिपोर्ट। ठीक, और अगर दो चीजें हैं और एक ही डायरेक्शनल में मूव कर रही हैं तो इसको क्या कहेंगे, सिंपोर्ट। और अगर अपोजिट डायरेक्शन में ये मूवमेंट देखने को मिल रहा है तो इसको क्या कहेंगे, एंटीपोड। तीनों टर्म समझ में आया कि हम यूनिपोड किसे कहेंगे, सिंपोड किसे कहेंगे और एंटीपोड किसे कहेंगे। ठीक, यूनिपोड किसे कहेंगे, सिंपोड किसे कहेंगे
और एंटी पोर्ट किसे कहेंगे। बात समझ में आ गई सभी को? अब देखो यहां पर आपको एक टेबल के फॉर्म में एनसीईआरटी में गिवन होता है जो मैं आपको दिखाना चाहता हूं। इस टेबल से क्वेश्चन आता है, देखो ये हमारा प्लांट फिजियोलॉजी का फर्स्ट चैप्टर है, ट्रांसपोर्ट इन प्लांट्स। इसमें आपको दो बातें याद रखनी है। आप देखो ये लाइन भी यहीं पे टिक कर लेना कि सबसे इंपॉर्टेंट यहां पर क्या है कि जो प्लांट्स नीड टू मूव मॉलिक्यूल्स ओवर वेरी लॉन्ग डिस्टेंसेस मच मोर देन एनिमल्स, और इनके पास इतने लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट कराना है लेकिन कोई सर्कुलेटरी सिस्टम नहीं है। दूसरी बड़ी बात कि यहां पर जो वाटर है रूट्स के थ्रू जो अब हर एक पार्ट तक पहुंचाएगा, और मेनली लीव्स जो हैं वहां पर फोटोसिंथेसिस या जो फूड सिंथेसिस होगा। अब यहाँ पर जो शॉर्ट डिस्टेंस और लॉन्ग डिस्टेंस की कहानी है कि लॉन्ग डिस्टेंस जो ट्रांसपोर्ट होगा वो वैस्कुलर बंडल्स के थ्रू होगा। लॉन्ग डिस्टेंस में जिस ट्रांसपोर्टेशन की बात करेंगे वो वैस्कुलर बंडल्स के थ्रू होगा, और उस प्रोसेस को हम कहते क्या है ये पूछा हुआ है, याद रखना। इसी को कहते हैं ट्रांसलोकेशन, इसी को कहते हैं ट्रांसलोकेशन। फिर दूसरी बात जो हमें याद रखनी है कि व्हेन एनी प्लांट पार्ट अंडरगोस सिनेसेंस न्यूट्रिएंट्स मे बी विथड्रॉन फ्रॉम सच रीजंस एंड मूव टू द ग्रोइंग पार्ट्स। ये भी लाइन इंपॉर्टेंट है जो आपको याद रखनी है, ये लाइन इंपॉर्टेंट है जो आपको याद रखनी है। क्लियर?